आखिर जो सवाल मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दो सूबों में हुकूमत है, बलोचिस्तान और सिंध में, और तमाम आईनी अहदे मनून के बाद तो पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं हो रही बतौर मिनिस्टर, क्योंकि मसाइल तो सारे जो हैं वो तो फेडरल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर हल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी इस बात की पूरी कायद हो रही है कि आईनी अहदे और हुकूमत के बावजूद भी शामिल हो जाए और इस बात पर गौर करें कि मिल के मसाइल जो हैं वो हल किए जाएँ, क्योंकि सारे मसले जो हैं बिजली के, महंगाई के, गंदम के, खुराक के और दीगर मसाइल जो हैं वफाकी सतह के ही हैं, तो जितने भी मसाइल हैं वो लोगों के सुनी रहेंगे। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी की एक मीटिंग हुई थी जब इंतखाबात हुए थे, उस मीटिंग में वो तवील मीटिंग थी, दो दिन चली थी। पहले दिन फैसला किया गया कि जी हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टी में डेफिनेटली उस वक्त पीटीआई भी ऑप्शन था, और जब ये फैसला सीसी का बाहर निकला तो सेकेंड डे पीटीआई की तरफ से बयान आ गया कि हम पीपुल्स पार्टी और नून लीग से बातचीत के लिए तैयार नहीं है। पीपुल्स पार्टी के पास क्या ऑप्शन बच गया था? एक ऑप्शन बच गया था कि वो बोलती थी कि अब हम कुछ नहीं कर रहे, हम चुप करके बैठे हैं। अगर चुप करके बैठते तो ये फेडरल हुकूमत नहीं बनती, दोबारा इंतखाबात होते। दोबारा इंतखाबात से पीपुल्स पार्टी को कोई खौफ या डर नहीं था, सिर्फ एक खदशात थे कि जिस तरह पहले 3 माह के इंतखाबात 8 माह में हुए, तो खुदा ना खासा अगर अब दोबारा इंतखाबात होते तो फिर ये कोई 8 साल ना लग जाए। किसी ने कहा कि जी ठीक है, हम बगैर किसी वजारत के या हुकूमत की शरकदारी से हम जो भी हुकूमत बना रहे हैं हम उनको सपोर्ट करेंगे। जरा पीटीआई मना कर चुकी थी, तो पीएमएलएन बोलते ओनली ऑप्शन, तो पीएमएलएन की हमने अनकंडीशनल सपोर्ट की कि जी हम पीएमएलएन को वोट देंगे। अब जहां तक हुकूमत में शामिल होने या ना होने का फैसला है, तो उसके लिए डेफिनेटली अभी तक मेरी नजर में कोई ऐसी गुफ्तगू मैंने पार्टी के अंदर नहीं सुनी कि पीपुल्स पार्टी दोबारा हुकूमत में जा रही है। अगर दोबारा कोई ऐसी चीज हुई तो डेफिनेटली पार्टी के प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, उस प्लेटफॉर्म पर डेफिनेटली अगर डिस्कशन कहीं हुआ तो हुआ, लेकिन अभी तक मेरी नजर में इस तरह की कोई बात कहीं डिस्कशन हुई नहीं। जो मसला आपने बताया मुझे इसका ऑनेस्टली इल्म नहीं है इतना, मैं इसकी मालूमात लेकर आपको बता सकूंगा। अगर कोई एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने कोई वहां पर प्रोजेक्ट लाना होगा, और उसके बावजूद अगर कोई सरकारी ऑफिसर किसी इस तरह की गड़बड़ में मुलव्वस है तो ये मैं आपसे वादा करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी मुलव्वस होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। थैंक यू हुसैन भाई, आपने सवाल मेरे लिए। करेंगे ताकि जो बच्चे में जो मुसलसल चल रहा है वो टैकल हो सके, और शायद थोड़ा अमीशा साहब ने बात कर ये भी फरमाया था कि आर्मी से अगर कोई असिस्टेंस हमें देनी है और ट्रेनिंग वापस देनी है या उनको प्रोवाइड करना है किसी चीज़ में हमारे साथ कॉन्ट्रेट करके उसको टैकल करें, इसका जरा कॉमेंट कर देंगे कि प्रोक्योरमेंट वाले जो ग्रेट वेपन्स का वो कहाँ तक पहुँचा। दूसरी बताइए आपसे ये कि जो बीट की जो बात हो